बंगाल भी फैशन की दुनिया में किसी दूसरी रियासत या ममालिक से कम नहीं। यही वजह है कि कोलकाता में अपने अपने फन का मुजाहरा करने के लिए फैशन इंस्टीट्यूट फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रही है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में भी फैशन शो का अहतमाम किया गया। इस इंस्टीट्यूट में प्रातः फैशन इंस्टीट्यूट का नाम सरे फहरिस्त रहा। प्रातः फैशन इंस्टीट्यूट की ऑनर सिप्रा घोष ने कहा कि बंगाल भी फैशन की दुनिया में किसी दूसरी रियासत से कम नहीं है। इस फैशन डिज़ाइन के जरिए बेशुमार लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। उस प्रोग्राम में सिंगर कंपनी के ने काफ़ी सपोर्ट किया और सिंगर कंपनी की जानिब से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले डिज़ाइनर को तोहफा से भी नवाजा गया। सिंगर कंपनी की मैनेजर राखी अधिकारी ने कहा कि हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जिनके अंदर समाज में कुछ करने का जज्बा हो। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। तो फैशन इंस्टीट्यूट ये एफिलिएटेड जो सिंगर है और मैं सिंगर से बिलोंग करती हूँ और पार्थो फैशन इंस्टीट्यूट का जो ये है कॉर्नर जो है वो है आपका सिप्रा घोष खड़ा। और आज जो वो ये किया है फैशन इंस्टीट्यूट फैशन शो, इसके बारे में ये पहले भी करते थे और हम क्या बोले, ये बहुत ही ज़्यादा हम लोगों का अच्छा लगा क्योंकि स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए। सिंगर एक्चुअली हमारा जो कंपनी है सिंगर, हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जो विनर्स है उनको हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जो फर्स्ट हुआ है उनको हम लोग मिक्सर ग्राइंडर जो है जूसर एंड मिक्सर ग्राइंडर दिए है, और जो सेकेंड है 3 जार मिक्सर ग्राइंडर दिए, और जो थर्ड है उनको हम लोग राइस प्रेशर कुकर दिए हैं। तो हम लोग चाहते हैं आगे भी प्रातो फैशन इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म आगे भी करे और हम सिंगर कंपनी से उनको आगे भी जैसे वो कामयाब हो इसके हम लोग उनको हेल्प करें, स्टूडेंट लोगों को हम मोटिवेट करें। एक्चुअली सिंगर कंपनी का जो रोल है, हम लोग ऑल वेस्ट बंगाल नहीं ऑल इंडिया में हम लोगों का ऐसे बहुत सारा स्कूल है प्रातो फैशन इंस्टीट्यूट की तरह, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, मुंबई में है, बहुत सारा जगह पर हम लोगों का स्कूल है और हम लोग ऐसे ही वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं, वुमेन ऐसे ही सीखे, सिलाई सीखे और आगे बढ़े और इंडिपेंडेंट रहे। फैशन कंपनीज जो है वो क्या सिर्फ फैशन डिज़ाइनर को सपोर्ट करती है? नॉट ओनली फैशन डिज़ाइनर, वी सपोर्ट ऑल द वुमेन्स, जो भी है, जो भी आपका विलेज साइड में है, जो आपका टाउन में है, कहीं पे भी हो, वुमेन अगर चाहे इंडिपेंडेंट हो तो वो कंपनी से मशीन खरीद के वो सिलाई सीख सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। जैसे प्रातो फैशन इंस्टीट्यूट है सिंगर एफिलिएटेड का, ऐसे ही हम लोगों का करीब 200 के ऊपर ऐसे स्कूल है ऑल इंडिया में और हम लोग चाहते हैं आगे भी ऐसे जैसे प्रातो फैशन इंस्टीट्यूट लिए इनिशिएटिव लिए हैं, आगे भी बहुत सारा स्कूल ऐसे इनिशिएटिव लेता है। जैसे वर्धमान में लेंगे, अभी जाएंगे हम 5th of September वर्धमान में भी एक ऐसे फैशन शो है और हम लोग चाहते हैं कि कंपनी की तरफ से छोटा छोटा जो भी हम लोगों के लिए होता है स्टूडेंट लोगों को ये सब दे के मोटिवेट करना चाहिए। मैम आपका गुड नेम? मेरा नाम है राखी अधिकारी, मैं स्विंग सुपरवाइजर हूँ ऑल ईस्ट। हर साल के लिए तो किया है, एवरी ईयर ही करते हैं मैम, फिर 2 इयर्स मेरा नहीं हुआ है कि ये कोविड के लिए और इसमें थोड़ा मेरा और भी अच्छा होना चाहिए था कि 2 इयर्स स्टूडेंट लोग बैठा हुआ था इसलिए वो लोग थोड़ा कम हो गया, तो इसलिए हम बहुत कोशिश किया ये लोग को कराने के लिए, अच्छा से कराने के लिए। तो आप लोग ही बताएगा कैसे हुआ। प्रातः फैशन इंस्टीट्यूट कितने सालों से ये चल रहा है इंस्टीट्यूशन? प्रातः फैशन इंस्टीट्यूट 15 इयर्स हो गया है चल रहा है और 10 इयर्स हो गया मेरा सिंगर का एफिलेशन मिला और ये छोड़ के भी मैं और सारा जगह सिखाते हैं बहुत सारा जगह।
जगह सिखाते हैं? 1000 से भी ज़्यादा हो गया, बहुत स्टूडेंट निकलते हैं और काम भी करते हैं। मेरा जॉब पार्टनर भी है यहाँ पे, जो मेरा प्रातः फैशन इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं ये लोग का मस्ट काम मिलेगा ही। मेरा जॉब पार्टनर है और सिंगर का एफिलिएशन भी है, वो लोग भी बहुत हेल्प करते हैं मुझे। तो कितने वर्षों से आप सिखा रही हैं? मैं 92 से सिखा रही है। लेडीज़ को किस तरह से आप इसमें इसके फैशन डिज़ाइनिंग के जरिए किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? लेडीज़ लोग को बढ़ाने का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेडीज़ लोग अच्छा काम करते हैं और जेंट्स लोग भी अच्छा काम करते हैं। आज के फैशन शो में देखा गया है कि जेंट्स से ज़्यादा लेडीज सक्सेस हो पाई हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? हम तो लेडीज़ को बहुत सारे लेडीज़ को बोलते हैं कि तुम लोग अर्न करना चाहिए, घर में बैठा नहीं रहो, अर्न सबको ही अर्न करना चाहिए। तो सबको मोटिवेट होता है ये बात सुन के, कैसे कैसे अर्न करेगा, कैसे कैसे लोगों को सिखाते हैं कि अर्न करो, ऐसे आप करो अर्न होगा, ये ऐसे करो, बहुत सारा वो लोग को एडवाइस भी देते हैं कैसे अर्न कर सकते हैं। तो वो लोग सक्सेस जरूर होते हैं इस कोर्स में, सक्सेस जरूर। अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उन लड़कियों को क्या मैसेज देंगे? तुम लोग क्लास कोर्स करो और कोर्स करने के बाद तुम लोग जरूर सक्सेस मिलेगा, कुछ काम जरूर कर सकते हैं। थैंक यू। क्योंकि मैं जब प्राटा फैशन में ज्वाइन की थी तो बस मैं न्यू कमर थी, तो डिज़ाइनर यहाँ से मैं डिज़ाइनिंग कोर्स की, फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद खुद की कुछ करने के लिए सोची, तो मैंने बुटीक ओपन कर लिया। तो उसके बाद क्या है ना, मैम को मैंने देखा कि कैसे आगे वो बढ़ती है, एवरी ईयर कुछ ना कुछ मोटिवेटेड कुछ हो रहा है यहाँ पर। और फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन शो, क्योंकि है ना फैशन शो करना इसलिए ज़रूरी है कि कोई डिज़ाइनर मोटिवेशन मिले उनको जो आगे बढ़ना है। ये भी हम लोग प्रोफेशन के हिसाब से ले सकते हैं, ये प्रोफेशन ऐसे नहीं है कि ये जॉब गवर्नमेंट जॉब है। नॉन गवर्नमेंट जॉब के लिए भी स्टूडेंट को कुछ ऐसा दिशा दिखाना है कि कुछ आगे बढ़ सके, वो लोग भी आगे जाकर कुछ अपने पैरों पे कुछ कर सके। तो इसीलिए बस मैंने जो थीम चुना है यहाँ पर, ब्लू जीन्स, जो रिसाइकलिंग, सारे फटे हुए जीन्स और जो मैंने पुराना सारे हमारे स्टूडेंट से कलेक्ट किए हैं, कुछ आसपास से कलेक्ट किए, कुछ डिज़ाइनर मतलब जीन्स जो बस लोग बाद लोग फेंक देते हैं, उससे भी कुछ बना सकते हैं हम लोग, स्कार्ट वगैरह कुछ मतलब कुछ गाउन वगैरह बना सकते हैं, कुछ फटे हुए कपड़ों से ये भी नया कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं। फैशन करने वाले को क्या मैसेज देंगी आप? फैशन करने वालों को मैं ऐसे ही मैसेज दूंगी कि फैशन इस तरीके से करना चाहिए कि कोई वेस्टेज ना हो, हमारा कोई नेचर का भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और ज़्यादा तरीके से कपड़ा खरीदना एवरी ईयर एवरी मंथ, वो जो आजकल लोग खरीदते हैं वो यंग जनरेशन की 2-4 कपड़े खरीद लिया, ऐसे कुछ नहीं है। पुराना ड्रेस को भी मोटिवेट करो और डिज़ाइनिंग के थ्रू से कुछ और क्रिएट करो और वो पहन के जाओ। आज फुल स्लीव पहनो तो कल हाफ स्लीव पहनो, तो वो भी स्लीवलेस करके पहनो, तो जो भी जब तुम पहन के जाओगे ना तो नया नया अगर लगेगा तो लोग को भी नया लगेगा। आपके इंस्टीट्यूट में कितने सारे स्टूडेंट हैं? मेरे इंस्टीट्यूट में करीबन 25। नहीं, आपका इंस्टीट्यूट नहीं, आपका फर्स्ट डिजाइनर में आपका फर्स्ट में नाम आया, क्या कहेंगे इसमें, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी, तुम बिलीव नहीं कर रहे हम लोग फर्स्ट टाइम, हम लोग पूरा भूल, एक हम लोग मान के चल रहे थे कि हम लोग आएंगे नहीं फर्स्ट, इतना अच्छा अच्छा हम लोग फर्स्ट टाइम में देखे, ट्रायल में बहुत अच्छा ड्रेस था, बट हम उसके के साथ हम लोग का नहीं आ पाएगा, लेकिन सडनली आ गया, एकदम विश्वास ही नहीं हो रहा। फिर सेम ग्रुप से फर्स्ट फीमेल मुझे मिला और सेकेंड फीमेल मेरा फ्रेंड मिला, मतलब एक ग्रुप। अब एक चीज़ बताइए, क्या आपने डिस्प्ले किया कि आपको फर्स्ट मिला? हाँ, ये मैंने डिस्प्ले किया ऑथेंटिक फ्यूजन, जैसे कि हम लोग एक होता है जैसे हम लोग धोती को हम लोग सिर्फ हम लोग ज़्यादातर रेडीमेड भी लेते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि इसको ड्रेप करके ही पहना जाता है, इसलिए हम वो धोती को ड्रेप किए हैं, वो पूरा ड्रेप था विदाउट स्टिचिंग, सिर्फ ड्रेप करके पूरे एक रेडीमेड धोती टाइप का लुक आता है उसमें। उसके बाद लॉन्ग एक साइड जैकेट दिए हैं, फिर साइड में प्लीट्स, जैसे अभी हम देखिए वो प्लीट्स साइड में प्लीट्स दे दिए हैं, तो थोड़ा फ्यूजन हो गया। आपका इंस्टीट्यूट कहाँ है और कितने स्टूडेंट्स को आप अपने गेम के साथ जोड़े हुए हैं? हम इंस्टीट्यूट यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब के पास, और हम लोग सब ए टोटल स्टूडेंट हैं 9।
আজকে কি আপনি সেকেন্ড প্রাইজটা পেয়েছেন কি বলবেন আজকে এটা আমি একটা কথা বলবো যেটা হচ্ছে এটা আমার তো একা তো কৃতিত্ব সেটা আমি বলবো না আমার গ্রুপে যারা যারা আমাদের যে টিম মেম্বার ছিল সাবাজ শাহিন আফরিন অঞ্জলি আর হচ্ছে চিকি যারা যারা ছিল তারা আমাদেরকে মানে আমাকে বিশেষ করে খুব খুব পরিমাণে হেল্প করেছে প্লাস আমাদের একটা টিম ওয়ার্ক বা গ্রুপ ওয়ার্ক সেটা খুব এতদিন যে থেকে যে বুঝতে পারলাম সেই জিনিসটা খুব ইউনিক লেগেছে আমাদের কাছে কারণ অনেক গ্রুপের মধ্যে এতটা ইউনিকনেস থাকে না মেবি ওটা হতে পারে আমার কথাটা হয়তো ডিফারেন্সিয়েট কিছুটা হতে পারে কিন্তু বাট তাও এটা না মানে থাকে না একটি ইউনিকনেস বা একটা যে টিম ওয়ার্ক সেই টিম ওয়ার্কের জন্য আমরা এটা জিততে পেরেছি এই জায়গাতে এখানে পার্টিসিপেট করলে কীরকম লেগেছে অবভিয়াসলি ভালো লেগেছে এটা আমার ফার্স্ট টাইম এটা একদমই আমার ফার্স্ট টাইম এই ফিল্ডে তাহলে কি নার্ভাস ফিল করেছো অবভিয়াসলি আমি নিজেও জানতাম না যে আমি সেকেন্ড হব আমি ভাবতাম আমি জাস্ট এটা আমি নিজেও জানতাম না আমার এটা ড্রেসটা যে যাবে এত সুন্দর যাবে এবার আমার গ্রিন রুমে আমার ড্রেসটা টাইট হচ্ছিল সেই ক্ষেত্রে অনেক পরিমাণে এরা খুব সাহায্য করেছে আমাদেরকে কিরকম কিরকম ড্রেসটা তৈরি করেছো এটা আমি তৈরি করেছিলাম এটা এটা কাইন্ড অফ একটা ফিউশন মানে অথেন্টিক ফিউশন এটা যে থিম আমাদের এই থিমের মধ্যে আমরা চেষ্টা করেছি এক একটা বিভিন্ন দেশ থেকে বা বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে এক একটার সাথে ওয়েস্টার্নকে কিছু বা কোনো ইন্ডিয়ান বা কোনো দুটো স্টেটকে পাঞ্চ করার বা একটা ফিউশন ক্রিয়েট করা কারণ আমি যেটা করেছি সেটা আমার ড্রেসের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে আফ্রো ফ্যাশন আফ্রো মিন্স হচ্ছে আফ্রিকান আফ্রিকান ট্রাইবাল ওয়ার বা আফ্রিকান যে মডেল তাদেরকে নিয়ে আমি জিনিসটাকে করেছি এবার আফ্রিকানদের ওপর যে হাফ জ্যাকেটটা যে আমি যেটা করেছিলাম যে সাইডে সেখানে আমি ক্রিয়েট করে মানে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলাম সেটা হচ্ছে আফ্রিকান যে ট্রাইবের মানে ভেতরে যে ট্রেন্ডের ভেতরে তারা কীভাবে তাদের দিনযাপন করতো বা বিভিন্ন তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন উইজডম ছিল মর্টালিটি ছিল ল্যাডারের যেটা দেখেছেন হয়তো জানেন হয়তো দেখাও যায়নি এরকমভাবে ক্রিয়েট করার চেষ্টা করি থ্যাংক ইউ সো মাচ